हम यहाँ पे जिस मुर्गाओं में आए हुए हैं, अभी इसने ने यहाँ पे जो डेयरी फॉर्म है वो देख लिया है। अभी थोड़ा सा अलग टाइप के गांव मेरे को लगे, यूपी नाम सुन के मेरे को भी पहले डर लगा। यहाँ पे चाय पियो, समोसा खाओ। हमारे यहाँ तो दूसरा भी बंदा नहीं बैठता गाड़ी पे, कभी और 10-15 मिनट का आपके यहाँ से सोच के आएंगे तो यहाँ 2 घंटा लगने वाला है। लाखन छोले वाला बैठ, जिला सारंगपुर, आनंद पुस्तक भंडार, ताकुंडी रोड है, नियर जनता इंटर कॉलेज। हमारा एग्रीकल्चर का भी काम है, मतलब ठेके पे जमीन लेते, ठेके पे ही सारा काम करते हैं। यूपी में बहुत सारा एक चलन है कि हकीम की दुकानें होती है यहाँ पे। हरिद्वार और दिल्ली जाने का सारा प्लान इंटरप हो चुका है। दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ नरेश के गांव में, वहाँ का आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। हमारा फर्स्ट प्लान ये है कि हम हरिद्वार चले जाए, लेकिन वो थोड़ा टाइम की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो क्या घुमाने वाला है मेरे को दिखाता हूँ गाँव में। हेलो दोस्तों, गोबर दिखाने वाला। अभी आप सब अच्छे होंगे। अभी हम यहाँ पे जिस मुर्गाओं में आए हुए हैं, अभी इसने ने यहाँ पे जो डेयरी फॉर्म है वो देख लिया है। अभी ये गाँव का आपको गाँव दिखाने वाला है, गाँव का माहौल दिखाने वाला, यूपी का गाँव। यहाँ भी स्टैचू विचू पड़े हैं लोगों की विश्वास पे। ये अपने लिए अभी आ रहा है ये लिए, मतलब उस बताया ना इसमें, मतलब अभी चार दीवारी करा दिया ना, गोबर गोबर मतलब भैंस के लिए उसमें गोबर। अभी गोबर इसको कमरा वमरा बना के सारा सी हो जाएगा। यहाँ पे उमस बढ़ने लगी अभी है ना, थोड़ा उमस बढ़ने लगी है। जितना बारिश रुका रहेगा उतना वो उमस बढ़ी रहेगी। यहाँ पियेंगे चाय, बोल तो क्या बोलने वाला। यहाँ पे चाय पियो, समोसा खाओ। चाय चाय ऐसे ही है, चाय पियेंगे, चाय बना दो, चाय पियूंगा मैं। एक बढ़िया सी चाय बनाओ, एक ही बनानी है, एक ही बनानी। तू पहले बताना चाहिए था ना, वहाँ से छोड़ना नहीं जा सकते। चाय चाय कैसे पी हुआ। सिक्योरिटी की वजह से ऐसे चाय पीनी पड़ रही क्या मेरे को? लोग तो सारा कैमरा ही देख रहे हैं मेरा। हम यहाँ से हरिद्वार के निकल पड़े हैं नरेश के डेयरी से। देख सकते हैं यहाँ आवाजाही का जो साधन बना हुआ है। हमारे यहाँ तो दूसरा भी बंदा नहीं बैठता गाड़ी पे, कभी जैसे चार चार बंदू पाँच पाँच बंदू बटा के लेके जाते हैं। वहाँ यूपी के अलग अलग व्यंजन देख सकते हैं आप। इसको क्या, घेवर, घेवर समोसा ये लेते हैं, समोसा बस से आया हूँ सहारनपुर बस डे को, लेकिन हमारे प्लान में थोड़ा सा अनसर्टन चेंजेस आ गई है। तो हम यहाँ से अभी हरिद्वार में ही दिल्ली के लिए निकलेंगे, और यहाँ से हमने ऐसा प्लान बनाया कि फिर जाके हमारी जो छूटा हुआ सामान लेके हम फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। क्योंकि अगर सुबह में हम निकलेंगे तो मेरे को हो सकता है कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा इंटरचेंज किया है उसमें। बहुत सारा पेज चल रहा है इस टाइप से, इलेक्ट्रिकल रिक्शा लगा के लोग। तो यहाँ से हमें कोई घंटाघर या ऐसा कुछ जाना करके लिए छोड़ा है। तो ये अलग टाइप का क्लाइमेट है, एकदम अनकॉन्शियस फील हो रहा है, क्योंकि जिस टाइप के लोग लग रहे हैं जैसे ऊंचे के टाइप के सारे लोग हैं, और कहीं वैलेट विलेट चला जाए मेरा, इसलिए डर लगता है।
गए वहाँ दो दो चार चार रिक्शा बदलने के बाद, हमको ऐसा लगा कि ये सारा प्लान चौपट हो चुका है मेरा हरिद्वार जाने का। हम अभी यहाँ से फिर मेरी जो सैग रही है वो लेके दिल्ली निकलेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली पहुँचना है मेरे को गारंटेड दिल्ली पहुँचना है तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने पूरा प्लान इंटरचेंज कर दिया है। अभी यहाँ से एक आदमी को यहाँ छोड़ के फिर हम वापस जाएंगे जहाँ से हम निकले थे सुबह, बैग भी उठा के दिल्ली के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। तो दिल्ली में जाके सेफ्टी बना रहेगा क्योंकि कल हमें कहीं भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। आ गए हम दूसरा चंडीगढ़ जाने वाले बस टूर निकले। आप देख सकते हैं कितना खराब माहौल है अंदर, ये देखो कितना खराब माहौल है। पार्टी का हाल भी देख सकते हैं आप कितना है। इसलिए मैंने कल दिल्ली जाने वाला प्लान है आज ही एक टिकट किया है चंडीगढ़। यहीं से हम कुछ वक्त पहले गए थे, बड़ा गड़बड़ हुआ है हमारे रिक्शा के साथ। ये स्टॉप अलग अलग कर दिए है इस सिटी के अंदर। ये कौन सा सहारनपुर, ये घंटाघर है, घंटाघर पे खड़े हैं हम सहारनपुर में। यहाँ से बस अड्डे थोड़े से आड़े टेढ़े जगह बनाई है उन्होंने ट्रैफिक की वजह से, तो इसमें हमारा कम से कम एक डेढ़ घंटा वेस्ट हुआ है। इसलिए हमने थोड़ा सा टेंटेटिव प्लान में हमारे ये चेंज किए हैं कि हम आज हम दिल्ली ही जाएंगे, क्योंकि जो माहौल बना है इस माहौल से मैं कल शायद मेरी ट्रेन मिस ना कर पाऊँ। और हम जहाँ से निकले थे बैठ गाड़ी पहुँचने के बाद उसी स्टेशन पे आके एक रुक रुक के चलने वाला जो बस है उसमें रुक बैठे पीछे देख सकते हैं गाड़ियों का, देख सकते हैं गाड़ियों का जो अड्डा है पूरा। और इस टाइप से यूपी के बस के अंदर का माहौल क्या बेटा। सर ये दर्द के लिए है, सर दर्द घुटनों में कमर में। एक डब्बे की गारंटी देता हूँ, सिर्फ एक डब्बे की दुकान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ब्लॉक नशों में दर्द रहता है घुटनों में कमर, रात को सो के टाइम मालिश कर रहा हूँ सर, दुकान से हमारी 100 रुपये साल से सेवा कर रहा हूँ सर। मम्मी पापा आपके हमें दवाई देंगे, रात को मालिश कर रहा हूँ सर। अभी अभी हम उतर चुके हैं, नेक्स्ट वीक जिसको पहुँचाने गए थे वो तो पहुँच चुकी है 2 घंटे में। यहाँ का जो रोड ट्रैफिक होता है वो इतना गंदा है कि आप अगर 10-15 मिनट का आपके यहाँ से सोच के आएंगे तो यहाँ 2 घंटा लगने वाला है। हमारे साथ वाकया हुआ है, हमें पहले लगा था कि हम वापस आ पाएंगे 2 घंटे में, लेकिन 1.5 घंटा तो सिर्फ आने में लगा। इतना रुक रुक की गाड़ी चलती है कि कुछ पूछो ही मत। अभी हम इनके साथ कुछ खरीदारी और खाना खाने के लिए जा रहे हैं अभी एक, और ये हो गया लंच टाइम। बहुत देर से सुन रहे थे खाने का जुगाड़, लेकिन ये क्या है चावल वावल वावल का ही कोई चक्कर है, मेरे को कुछ रस नहीं आ रहा है। देखते हम अभी नरेश क्या खिलाता है मेरे को। दोस्तों अभी हमारा हल्दीराम का मेरा प्लान बन रहा है, जो हमारे साथ में नीटू आया हुआ है। ये हमें नीटू यहाँ पे हमें लाखन के ये समोसे में चावल में छोले कुछ ऐसा प्लेट मिलता वो खिलाएगा। फिर हमारा प्लान दिल्ली जाने का बन रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रहा है, गर्मी ज़्यादा लग, इसीलिए हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके फिर वहाँ पे होटल वोटल लेके रुकेंगे। फिर आगे का अपडेट आपको वहाँ जाके बताते हैं। कभी लेके आया था मेरे को खाना पर छोला भटूरा, लेकिन ना इसने कहा कि किस किस की दुकान होती है आपको। लाखन 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 किसा देखा भाई दो आगे आ जा दो, ये पता किसका दुकान है, ये किसका दो यहाँ कैमरे पे पता। लाखन का लड़का जो छोले दे रहा है, ये मशहूर दुकान है पूरे भेट के अंदर। इस तवरिया छोले के कितने रुपए का है? 20 रुपए की, 20 रुपए क्या कर देता 20 रुपए। समोसा भी छोले भी चावल भी अच्छे। इसमें एक चीज होती है जो कैसे किसी में कम रहेगी, छोले डालने की मोदी डाल गया नारायण छोले वाला, लाखन 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 छोले वाला मेन रोड बेट जिला सहारनपुर, बेट जिला सहारनपुर सागुंडी गेट। ओके थैंक यू। फेमस वाला दुकान है जहाँ आप इसको धंधे का देख सकते हो, उसमें बोर्ड भी नहीं लिखा, नहीं बोर्ड है, बोर्ड भी नहीं है, फिर भी डोर पे होने की वजह से जहाँ से हम ये जो है ये दिख रहा है मनोरा के बीच से में से नरेश के यहाँ गए थे। ये है नरेश के गांव का पूरा मार्केट, और मार्केट में ये सब है सुपर डुपर जो ये फेमस है दुकान बेट के अंदर, इसका फेमस बेट के अंदर उसका ज़्यादा फेमस है। हाँ यहाँ पे भीड़ लगता है ज़्यादा। नीटू हमें
लेके गया था कुछ खाने पे, जो हम अभी देख लिया आपने। बस से हम जा रहे थे नरेश के गांव को, लेकिन बीच में ही नीतू के फ्रेंड की कोई या रिलेशन में कोई है, उनकी दुकान आई थी, तो हम उनसे जानेंगे थोड़ा बहुत उनके स्पेशलिटी के बारे में। शायद उनकी जो किताबें वगैरह की जनरल स्टोर जिस आइटम से होती है स्कूल के बच्चों के काम की, तो उसका एड्रेस और उनका बताइए। आनंद पुस्तक भंडार ताकुंदी रोड है, नियर जनता इंटर कॉलेज। तो हमारा एग्रीकल्चर का भी काम है और मैंगो के गार्डन है, गन्ने की खेती करते हैं। यानी लेबर वर्क है या पूरा अपना ही है खेत बाड़ी सारा? नहीं, खेत बाड़ी कुछ हम मतलब ठेके पे जमीन लेते हैं, बाग है हमारे, वो अपने निजी ठेके पे ही सारा काम करते हैं। सारा ठेके पे ही काम, काम सब लेबर का ठेके पे कराते हैं हम। सिंगल ही बंदा है, सिंगल ही। नहीं, लड़के तो है, नहीं लड़के तो है, लेकिन देखने पड़ते हैं, पूरा देखने पड़ते हैं। तो आप देखिए, अगर आपके काम का कुछ हो सकता है इसमें से, तो आप उनको संपर्क भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? 74-66-92-22। क्या बस कहाँ से? अरे बस तो है, बस है, बैठी है ना, बैठका है जाती है। तो टम्पो होगा आगे या इनका जो दुकान है अंडर करके है, स्टेशनरी ये सर, उसका नाम ही बार बार बोल रहा हूँ। किसका? तुम्हारे फ्रेंड का, जिसका नाम नीटू। नीटू, नीटू ये हमारे पास काम करता है, नौकरी करता है। नीटू, नीटू, नीटू का फ्रेंड है कोई? जानकार है, दोस्त बस में मिलने के कारण थोड़ा सा उल्टा जुगाड़ करना पड़ा है। जो इलेक्ट्रिकल रिक्शा जाती है वहाँ से हम जाएंगे हमारे, जहाँ हमने सुबह को चाय नाश्ता किया था, लेकिन उस एड्रेस पे जा रहे हैं। बाग है, ये बाग है आम का। ये रहा चाय, और जहाँ हम बैठे हैं वो रही भैंस, यहाँ से आता है दूध और यहाँ बनती है चाय, और ऐसे पिया जाता है किसी के डेयरी पे, एकदम ओरिजिनल वाली चाय, एकदम खतरनाक वाली चाय। जो गलिया है तंग हम घूम रहे हैं, लेकिन मेरा ये कंक्लूजन निकला है इस पे, किसी से भी पूछो तो मदद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी गलिया देख के मैं तो कभी भी डर जाता हूँ, लेकिन कोई भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग है ना, कहीं भी पूछो तो लगे फोन बता देते। देखा आपने गली कैसी में हम घूम रहे हैं? अगर मैं अकेला होता तो एकदम अनकॉन्शियसनेस फील होता, क्योंकि ये यूपी की गली है, मस्जिद के आजू बाजू, लेकिन जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग, हमें एड्रेस बताया या थोड़ा सा हेलो हमारा जो एड्रेस ढूंढने का जरिया है उसको आसान किया। ये तो है सच बात, मेरा बाबा भी बताऊँगी। नरेश को जो दुकान ढूंढनी थी शायद यही दुकान है, वो इधर उधर घूमते रहे। यहाँ वो यूपी में बहुत सारा है चलान है कि हकीम की दुकानें होती है यहाँ पे, और ये हकीम को ढूंढ रहा है, शायद कुछ व्याधि के कारण उसको वो कुछ करना था या लेना था पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे औषधि औषध लेने के लिए। ये जिस दुकान में खड़ा हूँ नरेश का काम चल रहा था, वहाँ इन्वर्टर की एक दुकान मिली है, इन्वर्टर का उसने जो भी इन्वर्टर की दुकान है, पूरा इस टाइप से है रिपेयरिंग, और पूरा चिल्लन चिल्ली चल रहा है वो इनके कस्टमरों के साथ। और जिस किंग की दुकान आई थी यहाँ, तो बहुत सारे
प्रचलन है। चलो मेरे पीछे जो देख रहे हैं उस टाइप के दुकान होती है यहाँ, हमारे यहाँ तो दवाखाने होते हैं सीधा, स्किन केयर क्लिनिक वगैरह सारी है वहाँ पर। गली मोहल्ले में पूरे दवाखाने भरे पड़े हैं। चलो बताइए, चलो कि टाइम क्या यहाँ से पूरा चंद डाला है हमने है ना। इस तरह हमारा जो हरिद्वार और दिल्ली जाने का सारा प्लान इंटरप्ट हो चुका है, तो हम जाएंगे कल दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरी ट्रेन है दोपहर 3:30 की। तो ये रहा एक खुशबू वाला माहौल जहाँ मैं रह रहा था, जो देखने के लिए नरेश के पास आया था। नरेश का खुद का जो बिजनेस है वो भी मैंने सारा देख लिया। ये अपने यहाँ होता है फार्म हाउस, इस टाइप से एक घर बना हुआ है, उसके पार्टनर और जो कामगार लोग हैं उन्होंने बहुत सारी हमारी मदद की है। यहाँ आने के बाद गाँव जैसा माहौल मैंने महसूस किया, और इस तरह ये व्लॉग में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।